आज हम बात करेंगे इंडिया के बेस्ट हिंदी वॉइस डबिंग आर्टिस्ट राजेश जॉली के बारे में। राजेश जॉली इंडिया के सबसे बेस्ट हिंदी वॉइस डबिंग आर्टिस्ट हैं। राजेश जॉली ने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में अपनी दमदार आवाज दी है और साउथ इंडियन मूवीज में भी अपनी दमदार आवाज दी है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं राजेश जॉली के बारे में। दोस्तों आपने स्पाइडरमैन 3 मूवी तो देखी होगी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2007 में। स्पाइडरमैन 3 मूवी में जेके सिमंस की दमदार आवाज राजेश जॉली ने ही दी थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। दोस्तों आपने हेलबॉय मूवी तो देखी होगी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2004 में। हेलबॉय मूवी में रॉन पर्लमैन की दमदार आवाज राजेश जॉली ने ही दी थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। दोस्तों आपने X2 मूवी तो देखी होगी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2003 में। X2 मूवी में ब्रायन कॉक्स की दमदार आवाज राजेश जॉली ने ही दी थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। दोस्तों आपने द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया मूवी तो देखी होगी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2010 में। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया मूवी में लियम निसन की दमदार आवाज राजेश जॉली ने ही दी थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। दोस्तों आपने प्रीडेटर्स मूवी तो देखी होगी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2010 में। प्रीडेटर्स मूवी में लॉरेंस फिशबर्न की दमदार आवाज राजेश जॉली ने ही दी थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। दोस्तों आपने द मैट्रिक्स रेवोल्यूशंस मूवी तो देखी होगी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2003 में। द मैट्रिक्स रेवोल्यूशंस मूवी में लॉरेंस फिशबर्न की दमदार आवाज राजेश जॉली ने ही दी थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। तो दोस्तों ऐसी ही हॉलीवुड न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप देख पाएं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।